वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है हमारी क्लास 43 और आज की क्लास में हम सीखेंगे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर जो है टोटल में आप लोगों को जो है 10 स्लीव्स की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग सभी चीज बताऊंगी। तो एक एक करके जो है मैं सभी चीजें बताऊंगी आप लोगों को। तो जो हमारी कैप स्लीव्स, रफल स्लीव्स, डॉलमन स्लीव्स, किमोनो स्लीव्स, यही सारी जो हमारी स्लीव्स थी ना, इनका जो फैशन था, इनका जो ट्रेंड था वो पहले चलता था, लेकिन अब क्या है, अब ये ना काफी ज्यादा इन हो रही है, दोबारा से जो है इन स्लीव्स का जो है ट्रेंड आ गया है। तो मेरे से काफी लोग जो है इंस्टाग्राम पर पिक्स वगैरह भेजते हैं कि हमें ये वाली जो है स्लीव्स का डिजाइन बताइए, ये वाली स्लीव्स किस तरह से बनती है। तो मैंने जो है टोटल 10 स्लीव्स जो है हमारी मैम ने हमें सिखाई थी, तो वो कुछ इस तरह से है। तो मैंने सोचा एक एक करके ना मैं आप लोगों को सारी ही स्लीव्स का जो है डिजाइन, मतलब ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग बता देती हूँ, तो आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा और सभी लोगों को सभी तरह की स्लीव्स को क्या कहते हैं और किस तरह से जो है वो बनती है वो सब कुछ जो है पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी टोटल 10 स्लीव्स हैं। सबसे पहली जो होती है हमारी प्लेन स्लीव्स, जो हमारी सिंपल स्लीव्स होती है। साइड में ना मैं पिक्चर लगा दूंगी, जो स्लीव्स मैं बोलूंगी उस स्लीव की ना मैं साथ में जो है पिक्चर लगा दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी स्लीव्स जो है हमारी किस तरह की दिखती है, ठीक है जी। तो प्लेन स्लीव्स जो है वो हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। सेकेंड है हमारी बेल स्लीव्स, तो बेल स्लीव्स जो है हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। थर्ड है हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स, देख सकते हैं आप लोग साइड पे पिक्चर। और जो फोर्थ है हमारी वो है पफ स्लीव्स, इसका भी ट्रेंड जो है वापस आ गया है, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। फिफ्थ है हमारी कैप स्लीव्स, और जो सिक्स्थ है हमारी वो है रफल स्लीव्स। ये जो रफल, कैप, डॉलमन की बोनो, इन स्लीव्स का ना काफी ज्यादा ट्रेंड है आजकल, काफी ज्यादा टॉप में, विद गाउन, बहुत मतलब हर तरह, मतलब इस तरह की स्लीव्स ना आप लोगों को हर ड्रेस में देखने को मिल जाएगी। इवन लोग सूट के साथ भी जो है आजकल बनाने लगे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। सेवन है हमारी डॉलमन स्लीव्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। और एट है हमारी किमोनो स्लीव्स, जो कि इस तरह से दिखती है। और 9 है हमारी नेगर स्लीव्स, और 10 हमारी हाफ स्लीव्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। तो जी आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लेन स्लीव्स, पूरी ही जो है डिटेल में आप लोगों को अच्छे से ड्राफ्टिंग बताऊंगी, और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग, फिर जो उससे नेक्स्ट होगी उसमें बेल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में बेल स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ऐसे एक एक करके जो है पूरी जो हमारी 10 स्लीव्स है सभी की कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग सभी कुछ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग जो है प्लेन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। प्लेन या फिर आप लोग जो है इसे सिंपल स्लीव्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो जी किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो जो हमारी प्लेन या सिंपल स्लीव्स है उसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई, वो चाहिए हमें 16 इंच, 16 इंच। बॉटम है हमारी स्लीव्स का 10 इंच, 10 इंच। और जो हमारा आर्मोल है वो है 8 इंच, 8 इंच, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो निशान मैं जब भी लगाऊंगी तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो है हमारा फोल्ड साइड है। और बाकी मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये है हमारा फोल्ड साइड और ये वाला है हमारा ओपन साइड, ठीक है जी। तो आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ जी। मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक फैब्रिक है, तो इसको हमने इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड किया है, ये हमारा फोल्ड साइड है और ये हमारा ओपन वाला साइड है। तो आपने इस जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसको आपने फैब्रिक समझना है, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि इस तरह से जो है हमने अपना फैब्रिक रखना है, जो है हमने लंबाई का निशान लगाना है। और यहाँ पर ना मैं बिल्कुल एग्जैक्ट निशान जो है आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी। तो जो हमारी लेंथ है वो है 16 इंच, तो हमने क्या करना है यहां से लेकर नीचे 16 इंच पर निशान लगा लेना है। मान लीजिए हमारा जो 16 इंच है लेंथ वो यहां पर आई है, यहाँ पर आइए, ठीक है जी। तो इस साइड से भी जो है हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस साइड से भी जो है हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को जो है हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। तो जी ये जो हो जाएगा हमारी स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ओपन साइड होता है, जब भी हम प्लेन स्लीव्स कट करते हैं तो जो हमारा ओपन साइड होता है वहां से हम हमेशा जो है 3 इंच डाउन रखते हैं अपनी स्लीव्स को, ठीक है जी।
अगर आप लोग बहुत ज्यादा हैवी हो तो आप लोग 3.5-4 भी रख सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल है जिनकी चेस्ट 40 तक है वो जो है 3 इंच रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि मैं खुद जो है अपना 3 इंच ही डाउन रखती हूँ, मेरी हमेशा परफेक्ट स्लीप बैठती है, मतलब जो भी परफेक्ट एकदम स्लीप बैठती है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, 3 इंच जो है हम यहाँ से डाउन रखेंगे, तो मान लीजिए जो हमारा 3 इंच है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, ऊपर वाले से हमने इसको इस तरह से ऐसे तिरछा मिला देना होता है, ठीक है जी, तिरछा मिला देना है। अब जो हमारा आर्महोल है वो है 8 इंच का, तो हम यहां से लेकर जो है यहां तक जो है 8 इंच पर निशान लगाएंगे आर्महोल का। तो जी मान लीजिए ये हो गया हमारा आर्महोल का निशान, ठीक है। अब बारी आती है हमारे बॉटम की, तो हमारा जो बॉटम है वो है 10 इंच, तो बॉटम को हम हमेशा जो है 2 से डिवाइड करते हैं, बॉटम को हमने हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है, बॉटम है हमारा 10 डिवाइड बाय 2 तो आएगा हमारा 5, तो हमने 5 इंच लेना है, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा डबल फैब्रिक होता है, तो मान लीजिए जो हमारा 5 इंच है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो हमारा नीचे फैब्रिक छूटा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा है 2 इंच इस साइड से भी इस साइड से भी, तो ये जो है हमारा बॉटम फोल्डिंग में आ जाएगा, जो नीचे से हम बॉटम फोल्ड करते हैं ना उसमें आ जाएगा। तो मान लीजिए जो हमारा 5 इंच है वो यहां तक आया है नीचे बॉटम का, और ये हमारा जो है बॉटम फोल्डिंग में हो जाएगा। तो हमने यहां पर जो है 5 इंच निशान लगा दिया अपना बॉटम का। अब हमने क्या करना है, ऊपर जो हमारा आर्महोल वाला निशान है उसको नीचे वाले से हमने इस तरह से ऐसे जो है मिला देना है, ठीक है जी, इस तरह से हमने मिला देना है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आर्महोल है उसका हम मिड पॉइंट करते हैं, तो आर्महोल का मिड करेंगे, अगर हम आर्महोल है हमारा यहाँ पर आर्महोल मिड करेंगे ना, तो यहाँ पर है हमारा आर्महोल 8 इंच, तो इसका मिड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंच, तो हमारा जो आर्महोल का मिड होगा वो होगा 4 इंच। तो देखिए 4 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाना है, और ऊपर की साइड जो है 0.5 इंच, हाफ इंच पर ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है जी। मिड करके हमने हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाना है, और अब यहां से जो है हम इसको इस तरह से ऐसे गोलाई देंगे, ये देखिए हमने इस तरह से ऐसे गोलाई दे दी। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे में लिख देती हूं, ये रही, ये थी हमारी 8 इंच और यहां से लिया था हमने 4 इंच। अब हमने क्या करना है, जो हमारा इधर खुले साइड वाला हिस्सा होता है ना उसका भी हमने मिड करना होता है, तो उसका मिड मान लीजिए हमारा यहाँ पर 2 इंच आएगा, ठीक है 2 इंच आएगा, तो इसको हमने जो है हाफ से कम ऐसे निशान लगाना होता है, हाफ से कम निशान लगाना होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो हल्का सा गहरा होता है ना, तो ये उसका निशान होता है, ठीक है, ये तो हमारा आर्महोल का निशान हो गया। अब ये हम गहराई वाला निशान लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, यहां से हम ऐसे इस तरह से ऐसे लाते हैं और फिर यहां से हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा एक ऐसे एस टाइप का बन जाता है, ठीक है जी। तो इसको हमने फिर इस तरह से ऐसे मिला देना है ऊपर वाले को ऐसे, और जो हमारी गहराई होती है उसको हमने इस तरह से ऐसे कट करना होता है, ठीक है। अब अगेन जो है हम 1.5 इंच यहां से मार्जिन ले लेंगे, यहां से भी 1.5 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ले लेंगे, और इस तरह से जो है हमें इसको मिला देना होगा। ये देखिए मैंने सारे ही जो है निशान लगा दिए हैं। तो जी ये थी हमारी प्लेन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझे इसी वाले वीडियो के ना नीचे कमेंट में जो है पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 44 उसमें मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो फिर क्या होगा ना कि जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं कटिंग स्टिचिंग वाली वीडियो में कवर कर दूंगी, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो सार जितने भी आपके डाउट हो वो आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वाली वीडियो में ही करिएगा, ठीक है, ताकि मैं जान सकूं कि लोगों के क्या क्या जो है डाउट है उनको मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी प्लेन स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो आई होप कि जो है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से ना ऐसे एक स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो तो देख के खैर आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इजी होगा देखने के लिए। तो आई होप कि जो है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लीव्स है वो है हमारी बेल स्लीव्स, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मतलब इसके कटिंग एंड स्टिचिंग के बाद जो भी नेक्स्ट होगी उसमें मैं आप लोगों को जो है बेल स्लीव्स की जो है ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। तो
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पसंद आया हो वीडियो और हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।